नमस्कार, हर खबर पंजाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा क्षेत्र भटिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने लंबी विधानसभा क्षेत्र के अन्य गांवों का दौरा किया और लोगों का धन्यवाद किया और इस अवसर पर लोगों की समस्याएं सुनी। रानीवाला गांव से मीडिया से बात करते हुए सवाल का जवाब देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 40 साल बाद सिखों के हत्यारे जगदीश टाइलर पर आरोप तय करने पर धन्यवाद किया। आज किसानों को हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर लगातार बैठे हुए 200 दिन पूरे हो गए हैं और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उसे किसानों की दुश्मन पार्टी बताया है। श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा सुखबीर सिंह बादल को वेतन भोगी घोषित करने पर बादल ने कहा कि वो इस आदेश को सिर आंखों से स्वीकार करते हैं। जल्द ही सुखबीर सिंह बादल पेश होंगे। बिल्कुल, एदी लड़ाई श्रोमणी अकाली दल ते श्रोमणी कमेटी बहुत सालों तो जिथे कांग्रेस ने तुसी देखो अज 40 साल बाद भी सानू पूरा इंसाफ नहीं मिलिया। जेड़े सिख नस्ल कुशी दे दोषी सिगे, प्रधानमंत्री ने आप ये नस्ल कुशी 84 च कराई ते स्टेज च खड़के किया, जब वड्डा दरख्त गिरदा है तो डिगदा है तो धरती हिलदी है, एक तरीके दे नाल लोकां नू उकसाया। ते जेड़े राजीव गांधी दे सारे सब तो नजदीकी सिगे, आज जगदीश टाइटल, सज्जन कुमार, एच के एल भगत, कमलनाथ, सारे ने रल के, मैं तो आप हंडाया क्योंकि मैं आप उस टाइम दिल्ली से ही सी, साडा जंपल उत्थे दा ही हैगा, तो सारा कुछ कैंपा च काम करके देखिया किवें औरतां दे नाल किस तरह का सलूक किया गया, साडे भरावां दे निक्के निक्के बच्चियां दे गलां ते टायरां पा के सड़ाया गया। खबर श्री मुक्तसर साहिब से है जहां साउथ एशिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल के काठमांडू में किया गया, जिसमें लीटर फ्लावर स्कूल के छात्रों ने कोच प्रभजीत सिंह के मार्गदर्शन में हिस्सा लिया। बता दें कि स्कूल की टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने में सफल रही। उन्होंने एक रजत, चार कांस्य पदक जीते। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान, रूस, पाकिस्तान, भूटान, थाईलैंड, अफगानिस्तान और मालदीव्स ने भाग लिया। ये गेम जी इंटरनेशनल साउथ एशिया कप नेपाल विखे होया, जिदे विच सिक्स कंट्रीज ने भाग लिया और उन्हां दे विच जिहड़ी सैकंड पोजिशन है वो इंडिया की आई है, जिदे विच इंडिया की पोजिशन दवाउण दे विच लिटल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल जिहड़ा है कि मुक्तसर, उस उन्हां दे बच्चों का भी बहुत वड्डा योगदान रहा। हाँ जी, लिटल फ्लावर जिहड़े स्कूल दा एक सिल्वर और चार ब्राउन्ज मैडल आए हैं और टोटल है जिहड़े इंडिया दे गल करिए तां पंजाब दी, पंजाब दे टोटल 9 गोल्ड आए जी। मैसेज यही है कि वध तो वध बच्चे जिहड़े आ स्पोर्ट्स दे विच ध्यान देन, स्टडी दे विच ध्यान देन और नशा तो दूर रहन। साडा टीचा यही है ताकि बच्चों वध तो वध स्पोर्ट्स च अगे वधा के ते जिहड़ा नशा तो दूर रखे जाए। International level karate they have won and Lichfa Convent School is proud to welcome the students, those who have participated in the international level competition of karate and also those who have won one silver medal and 4 bronze medals they have won, and I appreciate them and I appreciate the parents and the teachers who have worked behind it and those who are promoting this game in international level. Definitely their hard work and perseverance have paid them off, so I congratulate them and again mainu bahut khushi te maan mehsoos hunda ga te main is mauke te special dhanwad kardi ha is school de principal sir da te coach sahibana da jinna ne meri bacchi de vich qabiliyat te pehchani te ohnu agge aun da mauka ditta te स्पेशल थैंक्स करती हूँ प्रभजोत सर का जिन्होंने मेरी बच्ची का मतलब वो काबिलियत पहचानी तो उन्होंने एक अगे चांस दिता तो बहुत सारा मतलब वह काबिलियत पहचान के उन्होंने अगे जाने का मौका दिता तो अज शब्दों बयान नहीं कर सकती मैं बहुत खुश हूँ। मैं लिटल फ्लावर का स्टूडेंट है जी, तो असं हम इंटरनेशनल जित के आए हैं साउथ एशियन कप काठमांडू च होया नेपाल, साढ़े सारा योगदान सर, साढ़े कोच प्रभजीत सिंह सिद्धू सर, साढ़े स्कूल का, साढ़े पेरेंट्स का, उन्होंने बहुत धन्यवादी आई। सानू बहुत प्राउड फील हो रहा कि असं जित के आए हैं, साड़ी मेहनत रंग लैके आई सी, बहुत मेहनत कर करके मुकाम तक पहुंचे। कितना मुश्किलों का सामना करना सर, मुश्किलों सर
स्टेट पहला डिस्ट्रिक्ट गोल्ड जितना फिर स्टेट चो फिर रीजनल चो फिर नैशनल चो गोल्ड जित के फिर सर इंटरनेशनल तक पहुंची दा सर वो बस वही संघर्ष जोड़ा करना पैंता इंटरनेशनल तक पहुंचने लिए मेरे बच्चे जी इंटरनेशनल खेड के आए हैं उन्होंने मैडल आए हैं पांच बच्चों ने मैडल प्राप्त किए हैं मैं बहुत खुशी है जिन्हें भी हार्डवर्क किया उनका मेहनत उस हार्डवर्क के नतीजा बच्चे ने इतों तक पहुंचे है असी छुट्टियां भी इतने लातियां जिमें कि जून दिया छुट्टियां होंदिया ने सारे जने आपदे आपदे घरे जांदे आ पर बच्चों ने बच्चों के माँ प्यो ने सारिया ने जून दिया छुट्टियां असी इतने जोड़ा प्रैक्टिस दे विच बिताईया ने संडे भी असी जोड़े आ प्रैक्टिस दे विच लाए आपदिया छुट्टियां सारिया सैक्रीफाइस करके असी हार्डवर्क किया साडा टीचा सीगा भी इंटरनेशनल असी मैडल लैके आना स्कूल का नाम रोशन करना बिकॉज उत्थे कुछ वखरिया वखरिया कंट्रीज सी सारे ने कोचिज वखरे सी उत्थां दी मतलब हर एक टीचिंग बारे सानू पता लग गया उत्थे सानू साडे कोच ने सानू वल सपोर्ट किया जे अज ना होंदे असी इत्थे नहीं पहुंच सकते सी बस बहुत ज्यादा खुशी हो रही है अंदरों अंदरों खुशी होती है ये तो बारों बारों नहीं होती है नहीं अंदरों भी होती है ज्यादा सपना सीगा कि असी इतों तक पहुंच के कुछ मतलब कुछ पाइए तो यही लैके आए असी ब्रॉन्ज मैडल तो ये सू बहुत खुशी हो रही है तो घरदा का नाम रोशन किया बस बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तो साडे सर का थैंक यू बहुत ज्यादा सू बहुत कुछ सिखाया सर ने हाँ जी बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मेरी बेटी ख्याति जो कि लिटिल फ्लावर स्कूल च पढ़ती है स्कूल के सदका ही वो इन्नी उच्ची थां ते खेल के आ रही है ते एक पोजीशन उन्हें हासिल की है ते कोचिज का भी धन्यवाद करती हाँ कि जेडे मेरे बच्चे नू अगे तक लैके गए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि असं चाहते हैं कि बच्चे होर भी अगे जान ते बच्चे होर भी उच्चे थावां ते है करदा जिन्होंने स्टडी के नाल नाल गेमां दे विच भी तरक्की बच्चों की कराई दूसरा सर मैं धन्यवाद करदा साडे प्रभजीत कौर सर का जिन्होंने पिछले तीन सालों तो लगातार इन्हों मेहनत कराई ये बच्चे ने नैशनल भी खेडे उस तो बाद इंटरनेशनल ले गए उस सब का बड़ा योगदान कोच है इन्हों का भी धन्यवाद करता सब स्कूल का सब स्टाफ का धन्यवाद करना बच्चे हाँ बहुत सानू खुशी हो रही है साड़ी अगे भी कोशिश है बच्चे अगे भी उस तो मेहनत करा के अगे लेके जाने सानू बहुत खुशी है सर पहला तो असं उस परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्हों की कृपा नाल सारे बच्चे इतों तक पहुंचे है उस तो बाद असं लिटल फ्लावर स्कूल के प्रिंसीपल मैडम सब तो वह स्कूल सरदार प्रभजीत सिंह सिद्धू जिन्हों की कोचिंग सदका बच्चे इतों तक पहुंचे उन्होंने बहुत वधिया कोचिंग दी बच्चों ने भी बहुत आपकी तन मन मेहनत की मतलब कि सर ने सारे पंजाब भी जिस तरह हुशियारपुर मोगा जलंधर जयपुर पठान जयपुर से हरिद्वार दो नैशनल खेडे तो उस तो बाद हुण सर इंटरनेशनल खेड के काठमांडू नेपाल सानू इस गल की बहुत ज्यादा खुशी है बच्चे अगे भी दुआ करते हैं रब अगे भी इदा ही तरक्की करते रहन सर बहुत खुशी हो रही है शब्दों के बयान नहीं हो रही मेरा बेटा नवराज सिंह सिद्धू खेड के आया जरा बहुत खुशी हो रही है अज असी स्पैशल थैंक्स करते हैं सिद्धू सर का पूरे स्कूल स्टाफ का जिन्होंने इन्नी मेहनत कराई तो बच्चों की मेहनत बहुत बहुत फल गई बहुत खुशी हो रही है जी हाँ जी मेरा नाम मनदीप कौर है जी साडा बच्चा साहिब नूर सिंह सिद्धू इंटरनेशनल मैच से गया ठीक है सब ने इन्होंने बच्चों की काबिलियत पछाणिया तो इन्होंने बच्चों इंटरनेशनल मैच से भेजा ठीक है असं स्कूल का इतों के प्रिंसीपल सिस्टर का फादर साहब का तो प्रभजीत सिद्धू सर का जिन्होंने बहुत ही मेहनत के नाल अज साडे बच्चे इंटरनेशनल मैच खेल के आए सर बहुत खुशी महसूस हो रही है जी थैंक यू हाँ जी मेरा नाम मनदीप कौर है जी साडा बच्चा साहिब नूर सिंह सिद्धू इंटरनेशनल मैच से गया ठीक है सब ने इन्होंने बच्चों की काबिलियत पछाणिया तो इन्होंने बच्चों इंटरनेशनल मैच से भेजा ठीक है असं स्कूल का इतों के प्रिंसीपल सिस्टर का फादर साहब का तो प्रभजीत सिद्धू सर का जिन्होंने बहुत ही मेहनत के नाल अज साडे बच्चे इंटरनेशनल मैच खेल के आए सर बहुत खुशी महसूस हो रही है जी थैंक यू तो मैं लिटल फ्लावर स्कूल की स्टूडेंट हाँ प्लस वन क्लास तो असी कराटे नेपाल दे विच साउथ एशिया कप खेड के आए हैं तो साड़ी ऑल इंडिया सैकेंड रैंक आया है पंजाब के नौ गोल्ड मैडल्स ते इंडिया ते साडे स्कूल के पांच मैडल्स आए हैं तो साड़ी बहुत खुशी हो रही है सानू भी असी उत्थे गए असी एक्सपीरियंस लिया पांच कंट्री के लोग आए तो सारे कंट्रीज तो अलग अलग चीज़ा सानू सीखने मिली कराटे दे विच भी अलग स्किल सीखने मिली तो मेरे लिए तो एक्सपीरियंस सारों वध काउंट किया जित हार तो बनी हुई है
ਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਮਾਧਵਪ੍ਰੀਤ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਜੀਤ ਅਰੋੜਾ ਕਰਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਤੇ ਕਰਾਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤ੍ਰਿਪੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ लुधियाना की सड़कों पर देर रात कार रेसिंग का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो लाडोवाल के पास साउथ सिटी रोड का है। इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने चालान काटा है और एक कार को जब्त भी कर लिया है। वीडियो में युवक कारों के पास खड़े होकर रेस की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में दो कार रेस करती हुई नजर आ रही हैं। कई लोग इस रेस का वीडियो बना रहे हैं। एक आदमी सड़क के बीच में खड़ा है और टाइमर देख रहा है। ये वीडियो 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने एक कार की पहचान भी कर ली है और कार का चालान भी कर दिया है। बठिंडा में बीती आधी रात शरारती तत्वों ने गुरु नानक देव पब्लिक स्कूल में स्थित गुरुद्वारा साहिब संगत सिविल स्टेशन की डीओडी के शीशे को पत्थर मारकर तोड़ दिया और वहां से फरार हो गए। घटना का पता चलते ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं इस घटना का पता चलते ही मौके पर डीएसपी सिटी 2 सरबजीत सिंह बराड़ पहुंचे। खबर बठिंडा से है, जहां शरारती तत्वों का आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपराधियों ने गुरु पब्लिक स्कूल पर पत्थर मारे और वहां से फरार हो गए, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं, जिन पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहा है। शरारती तत्वों ने स्कूल पर पत्थर मारा और जिसके बाद वो फरार हो गए। गुरुद्वारा संगत सिविल स्टेशन बठिंडा, रात कोई बंदा साढ़ी दर्शनी ड्यूटी थे, जो जो बाहर शीशे लगे हैं उन्होंने तोड़ गया। असि सवेरे उस 5 बजे कंप्लीट करके ते वो एदा तहकीकात कर रहे हैं, जो भी सानू वो दसणगे असि थोड़े सामने करते हैं। कोई नुकसान नहीं जी, कोई बेहद नहीं, कोई कुछ नहीं होया, कोई बोल गया, कोई कुछ नहीं होया जी। संगरूर के रहने वाले एक 30 वर्षीय युवक की देर रात अचानक मौत हो गई और उसके परिजन भारी संख्या में थाना सिटी संगरूर पहुंच गए और वहां हंगामा हो गया। परिजनों ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि हमारा बेटा, जिसकी उम्र 30 साल थी, वो कल अपनी पथरी का इलाज करवाने के लिए दिल्ली मेडिकल हॉस्पिटल संगरूर गया था, जहां उसे डॉक्टर्स ने सलाह दी कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वहीं जैसे ही डॉक्टर्स पीड़ित को ऑपरेशन थिएटर में ले गए, 2 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए और परिवार को बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक को जरूरत से ज्यादा मात्रा में बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया। वहीं परिजन डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खबर संगरूर से है, जहां एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने थाना पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते युवक की जान गई है। उन्होंने पुलिस से न्याय की मांग की है। संगरूर में अचानक एक व्यक्ति की मौत हो गई, परिजनों में आक्रोश नजर आ रहा है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर्स ने ज्यादा मात्रा में उसे इंजेक्शन दे दिया था, जिसके चलते युवक की मौत हो गई। जी तजिंदर बंसल नू, इन्हां नू मेरा फ्रेंड है जी, वह एडमिट होया जी 30 तरीक नू जी, दिल्ली मल्टी स्पैशलिस्ट हॉस्पिटल संगरूर दे विच। ते डॉक्टर ने कहा जी रात के 8 बजे इन्हां दा ऑपरेशन होगा। उन्हां दा बीपी देखा गया जिहड़ा कि नॉर्मल सी, सारे वाइटल साइन नॉर्मल सीगे। पेशेंट अंदर गया जी, उन्हां दा कजन ब्रदर उन्हां नू अंदर ऑपरेशन तक छड्ड के भी आया जी, चलता फिरदा गल करदा गया अच्छे तरीके नाल सारयां नू। तो अंदर गया, अंदर जाने तो बाद इन्हां ने एनेस्थेसियोलॉजिस्ट सिगा नहीं सिगा सानू नहीं पता, इन्हां ने एनेस्थीसिया दिता पेशेंट नू जी, जनरल एनेस्थीसिया कहिंदे जी, ये दिता उहदे विच। देन तो बाद एग्जैक्टली 5 या 7 मिनट तो बाद साडा पेशेंट एक्सपायर हो गया जी।
उस तो बाद जेड़ा भी होया सीगे उत्थे तुसीं इन्हां नूं पुछ लो जी, उन्होंने बिल्कुल नहीं दस्या सानू की होया की नहीं कहिंदे जी। तो उस तो मैं दुकान ते बैठा सी, मैनूं फोन आया तो मेरी नूं दा कहिंदे पापा तुसीं कित्थे, मैं दुकान ते कहिंदे मन्नू नूं हॉस्पिटल जाओ पता नहीं की हो गया। मैं जदों गया मैं सीधा रूम के अंदर वड़ गया जिते पेशेंट थिएटर के अंदर, अंदर गया तो वह पिया सीगा वेंटिलेटर से। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब की होगा, कहते अंकल जी कुछ कुछ नहीं भी थोड़े सीरीयस हो गए भी इन्हों अमृतसर ले जाना पड़ेगा। चलो मैं आप एंबूलेंस बुलाओ तो फटाफट अमृतसर लेके चलीए। चलो असी इन्होंने उसे अत पौना घंटा लाता जी, गड्डी गुड्डी मंगा के असं अमृतसर लै गए जी। अमर वाले जो असं पहुंचे वो डॉक्टर साहब साढ़े घर पै गए, कहते ये तो डेड हुए नूं डेढ़ दो घंटे तो उपर हो गए कि तुम उन्हें डेड बॉडी चक्की फिर लीला होया पै। तो सिद्धू साहब गल है भी जो कि परिवार नाल होया जिन्हों का नौजवान मुंडा बेचारे का मरिया गा, गल बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। जो अमर होस्पिटल से गए ने तो जो उन्होंने उ जाके डॉक्टर ने दसिया, क्योंकि वो भी डॉक्टर है ये भी डॉक्टर ने, वो गलत का कोई गल कह नहीं, जो उन्होंने डॉक्टर ने कहता भी दो घंटे पहले डैथ हो चुकी है, यह मतलब स्पष्ट है भी जो एनेस्थीसिया जो डॉक्टर है उन्हें जो इंजैक्शन लाया उसके कारण मौत हुई है। यह सारा एक जांच का विषय है, बड़े लैवल से जांच होनी चाहिए है। दूजी गल यह भी इन्हों के स्टेटमेंट से इमीडिएट डॉक्टर के खिलाफ जिदे कारण मतलब कि मौत हुई है उन्होंने FIR दर्ज होनी चाहिए है। सर कल दिल्ली हॉस्पिटल के संगरूर दाखिल होया बंदा तेजेंद्र कुमार 32 साल की उम्र सी, इतों रैफर करता अमर का, अमर च डैथ क्लीयर करता भी डैथ है जी, इतने वापस ले सके तो उन्होंने डाउट फुल है भी डैथ इतने हस्पताल ही हो गई सी, वो हले जांच चलती है। लुधियाना साहनेवाल इलाके में सीबी ड्राइवर्स ने वहां से गुजर रही एक महिला को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक महिला की भतीजी ने जानकारी देते हुए बताया कि वो घर से बाजार सामान खरीदने गई थी और वापस आते समय पीछे से आ रही एक जेसीबी ने पहले उसकी चाची को थप्पड़ और बाद में उनके ऊपर चढ़कर जेसीबी को भगा ले गई। वहीं मौके पर कुछ युवकों ने जेसीबी चालक को रोकने की कोशिश की, जब उससे रोक रहे थे तो जेसीबी चालक ने उन पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी चालक को पकड़ लिया है और जानकारी देते हुए थाना साहनेवाल के पुलिस अधिकारी ASI गोविंदर सिंह ने बताया कि मृतक महिला के परिजनों के बयानों पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। खबर लुधियाना से है जहां जेसीबी चालक ने महिला को टक्कर मारी, इस हादसे में महिला की मौत हो गई है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने इस दौरान जमकर प्रदर्शन किया जिसके बाद पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद सड़क पर घंटों तक जाम लगा रहा, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। लुधियाना में एक जेसीबी चालक ने महिला को टक्कर मार दी जिसके चलते महिला की मौत हो गई। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और आश्वासन दिया। आप दोनों साथ नाम है एक राकेश अब ये दोनों साथ उधर से आ रहा था, ठीक है, उसने गाड़ी चला के भाग रहा था, अपने दोनों ये चिक्के मार रहा था, ये कौन है आप, ये चिक्के मार रहा था, बोला पकड़ो उनको, हम दोनों भाई उनको पकड़ने गए, अपने ऊपर भी गड्डी चला देता वो पूरी की थी। फिर अपा दोनों भाई उसके गड्डी ऊपर चढ़ के खींच के लेके आया जी, मौके डेट हो गया। सीएम भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर मान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची और सीएम को धन्यवाद दिया और कहा कि बड़े पैमाने पर लड़कियों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम लड़कियों और बहनों में उत्साह जगाने के साथ साथ पंजाबी संस्कृति को भी जीवित रखते हैं। बेटियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम ने दिल खुश कर दिया। मौके सानू इकट्ठे होने का मौका मिले है, मिलन गिलन का मौका मिले है। सब तो पहला धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री साहब का, जिन्हों की सोच है कि धियां लई भी कुड़ियां लई भी कोई ना कोई फंक्शन होने चाहिए ने। हमेशा आप देखते हैं कि बंदियां लई कोई ना कोई फंक्शन होंगे ने, कोई रैलियां ते चल जाता है, कोई होर
कबड्डी कप हो ही जाते हैं पर लेडीज हमेशा पिछड़िया रह जांदियां सीगियां। साडे लई कोई फंक्शन किसी ने सोचा ही नहीं सी भी करवाना चाहिए। मैनू कोई मिली लेडी वो कहती मैं USA रहनी हाँ, मैं तिया के प्रोग्राम पहली बार देख रही हूँ कि पंजाब च इन्ने वड्डे पद्धर ते तिया के प्रोग्राम हो रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर लंबे वक्त से किसान आंदोलन चल रहा है। किसान नेता सरवन सिंह पधेर ने कहा कि शनिवार को इसके 200 दिन पूरे हो गए हैं। वहीं किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और बड़े प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। इसी बीच खिलाड़ी विनेश फोगाट भी शंभू बॉर्डर पर पहुंची और केंद्र सरकार से मांग की है कि ये मार्ग खोले जाए और हमें दिल्ली जाने दिया जाए, जहां हम शांतिपूर्ण पूर्वक MSP की कानूनी गारंटी के साथ अन्य मांगे कर सकें। 200 दिन की तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर चल रही हैं और यहां लाखों किसान आज आएंगे। इसी के साथ खनौरी और अन्य बॉर्डरों के ऊपर विनेश फोगाट की भी हमें उनका स्नेहा आया, वो भी आज पहुंचेगी, उनका सम्मान करेंगे यहां से। और इसी के साथ साथ लगभग हम आज मांग उठाएंगे कि केंद्र की मोदी सरकार ये रास्ता खोले और रास्ता खोलकर हमें दिल्ली देश की राजधानी में जाके पीसफुली अपना प्रदर्शन करने का हक दे। MSP लीगल गारंटी कानून बनाया जाए। फिरोजपुर बॉर्डर पर 30 अगस्त की शाम संदिग्ध हेरोइन बरामद की गई है। बता दें कि BSF खुफिया विंग की एक विश्वसनीय सूचना के आधार पर पंजाब पुलिस के सहयोग से BSF के जवानों ने तुरंत संदिग्ध क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। सैनिकों ने संदिग्ध हेरोइन के 2 पैकेट बरामद किए हैं। नशीले पदार्थों को पीले चिपकने वाले टेप में लपेटा गया था। पैकेट के साथ एक धातु की अंगूठी भी लगी हुई थी। ये बरामदगी फिरोजपुर जिले के मच्छीवाड़ा गांव से सटे एक खेत में हुई। चंडीगढ़ के मोहाली बॉर्डर पर स्थित सेक्टर 56 में देर रात कुछ युवकों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूसरे मोहल्ले में रहने वाले लोगों पर हमला कर दिया, जिससे सड़क पर खड़ी कारों के शीशे टूट गए और काफी देर तक हंगामा किया। मिली जानकारी के मुताबिक यह हमला रंजिश के चलते किया गया। काफी समय से 56 लोगों के 2 गुट आपस में झगड़ते रहे, जिसके चलते इसको अंजाम दिया गया। तो वहीं इस घटना के बाद हाईटेक पुलिस का दर्जा प्राप्त चंडीगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली पर चंडीगढ़ वासियों ने बड़े सवाल उठाए हैं। ऑप्शन नंबर 141 क्या हुआ कि रात को वहाँ से जो हमारे घर के सामने कोई 15-20 लड़के आए और उन्होंने किसी के साथ को पंगा, वहाँ पर घर साथ में ही है एक, उसके साथ पंगा लड़के के साथ वहाँ से आए और उन्होंने वहाँ तोड़फोड़ की। जो सामने गाड़ियाँ उनके घर के सामने से तोड़ी, उसके बाद कॉर्नर पर हमारा घर है वो गाड़ी पूरी तोड़ी। मैं ऊपर से जब जैसे आवाज मारी गैलरी पर से, तो उन्होंने ऊपर को एक हॉकी मार दी खींच कर, पहले गाड़ी तोड़ी फिर हॉकी मार दी। तो कम से कम 15-20 लड़के थे और लगभग सारे ही अंडर एज या 18-20 साल से ऊपर। ये हम तो रात को सोए हुए थे, तो जब धमाके हुए बाहर निकले तो उतनी देर तो सब भागते दिखे पीछे, उसके बाद गाड़ियां सारे पूरे 56 सेक्टर में 55 में टूटी है। कारण लगता है, कारण तो कहते हैं लड़ाई झगड़ा होया 2 पार्टियां का, 2 गैंग का, इतना ही पता है। आपका भी कुछ है? मेरी ना हमारा कोई नहीं है। फिर आपकी गाड़ी? पता नहीं, यही तो 2-250 गाड़ियां तोड़ दी। 2 तो नहीं की गाड़ियां, 2 तो मेरी गाड़ी है। CCTV में कैद नहीं हुए, लगे नहीं हुए? ये लगे हुए हैं हमारे बिल्कुल सामने कॉर्नर पे है घर एक। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।